केकेआर वर्सेस पंजाब मैच के अंदर पंजाब को हार जरूर मिली, लेकिन अर्शदीप का लास्ट ओवर इतना ज्यादा खास था कि उन पर सभी आज फिदा हैं। ऐसा क्या किया उन्होंने, वही जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा लीजिए ताकि आप बोला अपडेट भी सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब 6 रन चाहिए 6 बॉलों के अंदर, वो भी आईपीएल में, तो कुछ भी नहीं होता। और वहीं पे अगर बात करें स्ट्राइक के ऊपर, रसल और रिंकू दोनों हो तो फिर तो बिल्कुल भी रन नहीं कह सकते इन्हें हम। लेकिन उसके बावजूद भी अर्शदीप यादव ने पहली ही बॉल तीखी बाउंसर मारी और एक भी रन नहीं दिया। अब 5 में चाहिए थे 6 रन और रसल ऑन स्ट्राइक थे। उसके बाद 1 रन आया, वो भी रसल के बल्ले से। उसके बाद रिंकू ने भी 1 ही रन लिया। उसके बाद रसल भी मात्र 2 रन लेने में ही कामयाब हुए 4थी गेंद पर, लेकिन 5वीं गेंद पर कोई स्ट्रोक नहीं लगा। लेकिन रन दौड़ने के लिए निकले रसल तो रसल रन आउट हो गए। अर्शदीप सिंह ने ये रन आउट करा था। लेकिन 5वीं गेंद पर जब हुआ ऐसा कुछ, तो 6ठी गेंद के ऊपर सभी की उम्मीदें थी, क्योंकि 2 रन चाहिए थे 1 गेंद के अंदर। अर्शदीप ने कराई ये बॉल और रिंकू सिंह ने लगा दिया चौका, जिसकी वजह से केकेआर इस मैच को तो जीत गया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ओवर बहुत ज्यादा गजब का डाला था यहाँ पे अर्शदीप सिंह ने। दोस्तों, अर्शदीप सिंह की इस बॉलिंग